सामने आ रही थी कि रूस में कुछ भारतीय युवकों को जबरन जंग में लड़ाया जा रहा है। इन युवकों को हेल्पर्स के तौर पर काम करने के लिए हायर किया गया था, लेकिन अब वो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए मजबूर हैं। यूक्रेन बॉर्डर से तेलंगाना के एक 22 साल के युवक का फौज की वर्दी में वीडियो भी सामने आया था, जिसमें वो अपने परिवार से मदद मांग रहा था। ऐसे भी दावे थे कि इन युवकों को वैगनर ग्रुप की ओर से लड़ाया जा रहा है। इन खबरों ने सबको हैरान कर दिया था, और अब इस मामले पर एक और चौंकाने वाला अपडेट सामने आया है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस में 23 साल के एक भारतीय की मिसाइल हमले से मौत हो गई है। क्या है पूरा मामला, आइए इस वीडियो में जानते हैं। मैं हूं कुंवर शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। रूस में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस युवक का नाम हेमिल अश्विन है। 23 साल का ये युवक गुजरात के सूरत का रहने वाला था और सिक्योरिटी हेल्पर के तौर पर रूसी सेना में शामिल हुआ था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हमले से बचकर निकले एक अन्य भारतीय कर्मचारी ने बताया है कि 21 फरवरी को यूक्रेनी हवाई हमले में रूसी सेना द्वारा सुरक्षा सहायक के रूप में नियुक्त किए गए गुजरात के 23 साल के हेमिल की मौत हो गई। जानकारी देने वाले इस कर्मचारी का नाम समीर अहमद बताया जा रहा है और ये कर्नाटक का रहने वाला है। समीर के मुताबिक हेमिल को रूस यूक्रेन सीमा पर डोनेट्स्क क्षेत्र में तैनात किया गया था। उसको फायरिंग करने की ट्रेनिंग दी जा रही थी, उसी समय मिसाइल से हमला हुआ। इस हमले में युवक की जान चली गई। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक सूरत जिले का निवासी हेमिल अश्विन दिसंबर 2023 में रूस गया था और बाद में रूसी सेना से जुड़ गया। इस महीने की शुरुआत में हेमिल के पिता की ओर से इंडियन कॉन्सुलेट को पत्र लिखकर उसे घर वापस लाने में मदद मांगी गई थी। इस संबंध में कई अन्य लोगों ने भी भारतीय दूतावास से संपर्क किया है। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि अब तक उन्हें इस घटना की जानकारी नहीं दी गई है। हेमिल के पिता ने द हिंदू को बताया कि 20 फरवरी को उनकी हेमिल से बात हुई थी, इसके एक दिन बाद ही उसकी मौत हो गई। समीर अहमद ने घटना के बारे में बताया कि उनसे 150 मीटर दूर पर हेमिल फायरिंग करने और मिसाइल दागने की प्रैक्टिस कर रहा था। अचानक धमाका हुआ तो हम ट्रेंच में छिप गए। कुछ वक्त बाद जब हम बाहर निकले तो हमने देखा कि हेमिल की मौत हो चुकी है। इसके बाद हमने उसका शव ट्रक में रखा। उन्होंने बताया कि 4 भारतीय उस टुकड़ी का हिस्सा थे जो 21 फरवरी को हमले का शिकार हो गई थी। वहीं इस हमले में एक नेपाली नागरिक भी मारा गया है। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।